हुक्मरान इत्तेहाद का इमरान खान की मनफी सियासत से ब्लैक मेल ना होने का फैसला। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास का एलानिया जारी। मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वाले अनासर से सख्ती से निपटने का फैसला। शुरका ने कहा हुकूमती अमलदारी के लिए इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना होगा। कानून सबके लिए बराबर है तो इमरान खान बालातर क्यों? वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, DG, ISI और दीगर सिक्योरिटी हुकाम की शिरकत। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। फौज भी मेरी और मुल्क भी मेरा। PDM तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। याद रखें सोशल मीडिया किसी के कंट्रोल में नहीं। इमरान खान कहते हैं जो जुल्म हुआ है उसके सबूत इंसानी हकूक़ की तंजीमों और मगरबी मुल्कों को भेज रहे हैं। और इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की तहकीकात। नैब रावलपिंडी की टीम UAE से वापस आ गई। कीमती घड़ी फरोख्त स्कैंडल में उमर फारूक के बाद एक और किरदार शफीक का बयान कलमबंद। शफीक ने घड़ी इस्लामाबाद में बेचे जाने का PTI का मौकफ मुस्तरद कर दिया। फराह गोगी ने राबता करने के बावजूद बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया।